गणतंत्र दिवस में हुए उपद्रव के दोषी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में उपद्रव के मुख्य दोषी दीप सिद्धू को पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार लगी हुई थी। दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था और वो लगातार अपने फेसबुक अकाउंट से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मैसेज और वीडियो अपलोड कर रहा था। इस मैसेज को लेकर दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया था कि वो अपने करीबी मित्र के जरिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। बता दें कि अभी तक दिल्ली हिंसा में शामिल 127 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।